Hello, everyone. Welcome back to our channel, Skillmaster. आई एम श्रुति राठौड़ सो आज हम सेवेंथ यूनिट का सेकेंड लेसन कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट क्लास में हमने देखा टेस्ट क्या होता है टेस्ट के पर्पस क्या रहेंगे आपके पास किन पर्पस से आपका टेस्ट लिया जाता है कंडक्ट किया जाता है क्या क्यों यूज़फुल है टेस्ट लेना उसके बाद हमने देखा था करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है टेस्ट की नेक्स्ट हमने क्या देखा था टेस्टिंग मेथड देखे थे टू मेन मेथड्स है आपके टेस्ट को कंडक्ट करने के फर्स्ट वन इज़ स्टैंडर्डाइज सेकंड वन इज़ नॉन स्टैंडर्डाइज सो आज हमारा उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे जो है आपके जो दो मेजर टाइप है टेस्ट के उन्हें कितने टाइप्स में आप आगे क्लैसीफाई करें कितने तरीकों से आप टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं वो आज हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है टाइटल है टॉपिक का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग मेथड्स सो शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए टेस्ट के तीन मेथड्स हैं मेन मेथड्स फर्स्ट वन इज़ ओरल मेथड जो आपका मौखिक टेस्ट रहेगा सेकेंड वन इज रिटर्न रिटन टेस्ट जो आप लिखित परीक्षा देते हैं थर्ड वन इज़ परफॉर्मेंस टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि आपका फाइनल में या फिर लास्ट में आपके कोर्स के में आपका प्रैक्टिकल लिया जाता है दैट इज़ अ परफॉर्मेंस टेस्ट ठीक है जहाँ पर आप अपनी स्किल को परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट ओरल टेस्ट को आगे कैटेगराइज नहीं किया गया है नेक्स्ट जो रिटर्न टेस्ट है उन्हें टू टाइप्स में आगे डिवीज़न किए गए हैं फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऐसे टाइप भी आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप लेंथी टेस्ट होता है जो कि आप लिख के करते हैं दैट इज़ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट को ऐसे टाइप टेस्ट को आगे कैटेगराइज नहीं किया है यहाँ पर किसे कैटेगराइज किया है आगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट को ऑब्जेक्टिव टेस्ट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया first one is test, completion, completion test, test. Next है फर्स्ट वन इज सप्लाई नेक्स्ट वन इज़ सिलेक्शन सप्लाई टेस्ट में देखिए फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट देन डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पलिशन कॉम्पलिशन टाइप टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप टेस्ट नेक्स्ट है सिलेक्शन सिलेक्शन में फर्स्ट वन इज़ मल्टीपल चॉइस टाइप टेस्ट नेक्स्ट वन इज़ मैचिंग देन मल्टीफे आफ्टर दैट ट्रू एंड फॉल्स अब हम इन सभी को एक एक करके देखेंगे ये टेस्ट कैसे होते हैं इनकी विशेषता क्या है या फिर हम इन्हें कैसे परिभाषित करते हैं वो सभी आज के हम सेशन में देखने जा रहे हैं चलिए सबसे पहले देखिए ओरल टेस्ट क्या होता है ओरल टेस्ट को आप मौखिक टेस्ट भी कह सकते हैं जो हाँ बोलचाल के द्वारा टेस्ट लिया जाता है जो आपके इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं या फिर आपकी क्लास में वाइवा लिया जाता है वो उन्हें हम क्या कह सकते हैं ओरल टेस्ट जैसे आपकी क्लास में आपसे आपके टीचर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको पॉइंट आउट करके खड़ा किया जा रहा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है आप ओरल ही उसका आंसर दे रहे हैं उससे आप क्या कह सकते हैं मौखिक टेस्ट कह सकते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है ओरल टेस्ट को ओरल टेस्ट आर सिंपल सीरीज ऑफ क्वेश्चन आज टू द ट्रेनीज ये सिंपल क्वेश्चन ट्रेनी से पूछे जाते हैं सिंपल क्वेश्चन की सीरीज होती है ओरल टेस्ट में जो कि ट्रेनिंग से पूछे जाते हैं स्टूडेंट हैव वर्बली एंड द आंसर वर्बली क्वेश्चन भी वर्बली पूछे जाएंगे और आंसर भी आपको वर्बली देना है ओरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ओरली ही आपको आंसर देना है तो इसमें आप क्या कह सकते हैं जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर क्लास में वाय है आपका आपकी जो बातचीत है वो सभी क्या है मौखिक गतिविधियाँ हैं अगर आपको किसी को टेस्टिफाई करना है तो आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए इसमें क्या रहेगा सिंपल क्वेश्चंस रहेगे जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी बोल कर पूछा जाएगा और जो आंसर देना है वो भी आपको बोल कर आंसर देना है चलिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है रिटर्न टेस्ट फर्स्ट वन था आपके पास ओरल टाइप टेस्ट नेक्स्ट वन था आपके पास रिटन टाइप एंड लास्ट वन था थर्ड मेन टाइप था आपका परफॉर्मेंस टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट तो यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट क्या है जो आप लिख कर टेस्ट दे रहे हैं उसे आप कहेंगे रिटर्न टेस्ट दीज टेस्ट आर मोर इफेक्टिव देन ओरल रिटन टेस्ट को क्या बताया जा रहा है कि ओरल से ज़्यादा इफेक्टिव है क्यों क्योंकि अभी आप बोल रहे हैं सुन रहे हैं तो क्या होगा कुछ समय बाद आप उसे भूल जाएगी कि आपको क्या आंसर दिया था एक्यूरेटली आप उनकी वर्डिंग को रिमेंबर नहीं रख पाएंगे इसलिए रिटर्न टेस्ट इफेक्टिव है मोर देन ओरल टेस्ट नेक्स्ट देखिए द क्वेश्चन एंड आंसर्स आर बोथ इन रिटर्न फॉर्म ओरल टेस्ट में क्या था आपके क्वेश्चन भी ओरली पूछे जा रहे थे और आंसर भी आपको ओरली करना था तो यहाँ पर जो रिटर्न टेस्ट है यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी रिटर्न में मिलेंगे आपको पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर मिलेगा रिटर्न में और आंसर भी आपको शीट्स पर लिख कर देने हैं ठीक है दोनों यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर रिटर्न फॉर्म में होंगे नेक्स्ट यह है क्वेश्चन कैन बी स्प्रेड ओवर द एंटायर सिलेबस विच गिव्स यूनिफॉर्म असेसमेंट इसमें बताया जा रहा है कि रिटर्न टेस्ट में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका होल सिलेबस उसमें कवर किया जाएगा जितना भी अभी तक आपने सिलेबस कवर किया है जितना भी आपको आपके इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया है वो सभी उन सभी से आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपकी असेसमेंट के लिए भी आप कह सकते हैं कि आपकी असेसमेंट के लिए भी रिटर्न टेस्ट ये इस तरह से लिया जा सकता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है, है इट नीड्स इलेबोरेट प्रेपरेशन एंड मोर टाइम जब आपको रिटर्न टेस्ट देना है या फिर आपको प्रेपरेशन करनी है रिटर्न टेस्ट है आपका तो आपको क्या होगा जब आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं टेंथ है ट्वेल्थ है बोर्ड का एग्जामिनेशन है आपका तो आपका जो टेस्ट रहता है जो एग्जामिनेशन रहता है वो रिटर्न बेस्ड होता है तो आपको उसकी काफ़ी अच्छी तैयारियाँ करनी पड़ती है आपको अच्छे से लर्न करना होता है पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्यूरेटली लर्न करना होता है ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उस टाइम आप उसे अच्छे से इलेबोरेट कर पाए अच्छे से आप उसका विवरण दे सके क्वेश्चन को आप डिफ़ाइन कर सके टेस्ट में नेक्स्ट है इट मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ये आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट भी कर सकता है नेक्स्ट है परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ़ द टेस्ट कैन बी मेंटेन रिटर्न टेस्ट का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं मेंटेन करके आपके जो टेस्ट लिए जाते हैं वो आपके टीचर रिकॉर्ड में रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम आपको अगर आपके पेरेंट्स को चेक करवाने के लिए या फिर आपको फिर से उस उनमें कोई कन्फ्यूज़न हो कि मैंने तो आंसर कुछ अलग लिखा था अगर आपको डाउट हो अपने मार्क्स में तो आपकी री चेकिंग के लिए भी उन्हें मैंटेन करके रिकॉर्ड को रखा जाता है ठीक है तो आप जो रिटर्न टेस्ट है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं परंतु ओवरऑल टेस्ट को आप इस तरह से रिकॉर्ड करके नहीं रख सकते हैं सो so नेक्स्ट देखिए रिटर्न टेस्ट को टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्टिव टेस्ट नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ ऐसे टाइप टेस्ट ऑब्जेक्टिव हुआ जिनमें आपको चॉइस मिल जाती है जो लेंथी नहीं है वो टेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हैं नेक्स्ट देखिए सब्जेक्टिव टेस्ट को आप क्या कह सकते हैं ऐसे टाइप टेस्ट भी कह सकते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन आर फ्यू एंड शॉर्ट बट द आंसर आर लेंथी इसमें आपके पास क्वेश्चन थोड़े होंगे आपके पास टेन क्वेश्चन होंगे फिफ्टीन क्वेश्चन होंगे या फाइव क्वेश्चन होंगे और वन वन लाइन में आपको आपके पास वन टेंस वन सेंटेंस में क्वेश्चन दिया जाएगा परंतु टू जो आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवाना है उसके पास आपके लिए वर्ड्स दिए होंगे कि इतने वर्ड्स में आपको आंसर देना है या फिर मार्क्स आपके पास होते हैं कि ये टेन मार्क्स का क्वेश्चन है सेवन मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लेंथी देना पड़ता है आपको एलेबोरेट करना पड़ता है उस आंसर को तो देखिए सब्जेक्ट uh, में क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में होता है वन लाइन में वन सेंटेंस में मिलेगा बट आंसर आपको लेंथी प्रोवाइड करने होते हैं सेटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर इजी बट चेकिंग टेक्स मोर टाइम क्वेश्चन पेपर जो आपका रिटर्न टेस्ट अगर आपको लेना है तो आप क्या कर सकते हो सिंपली टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपको क्वेश्चन तैयार करने रिटर्न uh, टेस्ट के लिए परंतु जो चेकिंग है टेस्ट की जो आपने रिटर्न टेस्ट ले लिया है ये ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसे असेस भी करना पड़ता है ज़्यादा टाइम लेता है कि किसने क्या लिखा है इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है पेपर की चेकिंग करने में इसीलिए हमारे जो रिज़ल्ट रहते हैं टेंथ का ट्वेल्थ का ये काफ़ी टाइम बाद आता है आफ्टर वन मंथ और वन एंड हाफ मंथ इसमें टाइम लग जाता है चेकिंग करने में नेक्स्ट है क्या परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेनिंग इज़ अफेक्टेड बाय द पर्सनल व्यूज़ एंड आइडिया ऑफ इंस्ट्रक्टर और टीचर अब जो भी आपने अपने टेस्ट में लिखा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है अब कोई इंस्ट्रक्टर होगा अगर आपने डिटो बुक से लिखा है यानी कि आपने बुक कॉपी पेस्ट कर लिया है बिल्कुल वही वर्डिंग आपने लिखी है जो थी आपने बिल्कुल वैसे ही रट लिया है अगर आप वैसे ही बिल्कुल लिखेंगे अपनी शीट पर तो क्या होगा कुछ जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे वो इम्प्रेस हो जाएंगे उन्हें लगेगा कि काफ़ी अच्छा लिखा है तो कुछ इंस्ट्रक्टर इस वे में आपको अच्छे मार्क्स भी दे सकते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्टर क्या समझेंगे कि, कि हो सकता है कि स्टूडेंट ने ये चिटिंग की हो तो ये डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर के व्यू पर टीचर की अपनी पर्सनल थॉट पर कि वो आपकी जो परफॉर्मेंस है उसे किस वे में देख रहे हैं किस कैसा नज़रिया है उनका आपकी परफॉर्मेंस के प्रति नेक्स्ट देखिए ऐसे टाइप टेस्ट आर एस्पेश यूजफुल टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ नॉलेज यहाँ पर यह है कि अगर आपको क्वालिटी देखनी है किसी की नॉलेज की आपको टेस्ट करनी है मेज़र करनी है तो आप ऐसे टाइप टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं ये एक इंडिविजुअल की एक आ, व्यक्ति की पर्सनैलिटी को आपके सामने काफ़ी हद तक आ, दर्शा सकता है रिटर्न टाइप टेस्ट क्योंकि रिटर्न टेस्ट में आ, जो स्टूडेंट है वो अपने व्यूज़ लिखता है आ, अपनी नॉलेज नॉलेज के आधार पर ठीक है नेक्स्ट क्या है कि इट कैन नॉट पिन पॉइंट द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज सो ट्रेनी ट्राई टू हाइड देयर इग्नोरेंस अंडर द कवर ऑफ वर्ड्स आप एग्जैक्टली रिटन टेस्ट में ये मालूम नहीं कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो कितनी एग्जैक्ट नॉलेज रखता है अब कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझकर टेस्ट दे रहे हैं लिख रहे हैं पेपर में तो कुछ बच्चे होंगे जो एग्जैक्ट उसे नहीं समझ पाए हैं परंतु तो उन्होंने बिल्कुल उसे रट लिया है वर्ड टू वर्ड तो आप नहीं मालूम कर पाएंगे कि ये इन्हें समझ में भी आया है या फिर नहीं आया है ठीक है नेक्स्ट देखिए थ्योरेटिकल टेस्ट अगर आपको करना है थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपको किसी की टेस्ट करनी है मेजर करनी है तो आप रिटर्न टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्या है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपिंग टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपिंग लेंथी आंसर इन हिज ऑन वर्ड्स अब देखिए अगर किसी स्टूडेंट ने क्या होता है रिटिन टाइप टेस्ट में हम भी क्या करते हैं हमें थोड़ा सा आ, क्लू मिल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या, क्या कहना चाहता है इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है अगर हमें थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा हमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ज़रा सा भी क्लू मिल जाता है कि क्या हुआ था उस समय तो हम क्या करते हैं कुछ लेंथी करने के लिए अपने मार्क्स पाने के लिए चार छः लाइन या फिर बहुत ज़्यादा खुद से ही उसे लिख लेते हैं अपने वर्ड्स में जिससे क्या होता है एक जो स्टूडेंट है थोड़े से थोड़े से फैक्ट पर भी काफ़ी लेंथी आंसर दे सकता है रिटर्न टेस्ट में नेक्स्ट देखिए जो भी क्वेश्चंस रिटर्न टेस्ट में आपके बनेंगे जो आपको अगर आपको रिटर्न टेस्ट लेना है तो जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे उनके लिए जो वर्ड्स यूज होंगे की वर्ड्स आपके यूज होंगे वो रहेंगे डिफाइन एक्सप्लेन कंपेयर स्टेट डिस्क्राइब डिस्कस डिस्टिंग्विश, व्हाई, व्हाट, विच मैक्सिमम टाइम आप कौन से वर्ड यूज़ करते हैं वाई वर्ट विच एक्सप्लेन डिफाइन डिस्क्राइब कंपेयर ये सभी वर्ड्स आपके कहाँ यूज़ होंगे रिटर्न टेस्ट को अगर आपको प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए तो आप इन सभी वर्ड्स को यूज़ करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए राइट तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा था आ, सब सब्जेक्टिव फर्स्ट हो गया हमारा कौन सा टेस्ट है ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सब्जेक्टिव यानी कि ऐसे टाइप टेस्ट रिटर्न टाइप का फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंडक्टेड लार्जली एंड इज इन कॉमन यूज बिकॉज टाइम कैन बी सेव एंड इट ऑफर हाई रिलायबिलिटी। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये ज़्यादातर अब यूज किए जाने लगे हैं पहले रिटर्न टेस्ट यूज किए जाते थे जो मेज मैक्सिमम टाइम आई में भी यही यूज होता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट सी में भी यही ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज हो रहे हैं इन्हें ही यूज़ किया जा रहा है क्यों यूज़ किया जा रहा है क्योंकि टाइम को सेव करते हैं एक क्वेश्चन को अगर तो टोटल आपके पास फिफ्टी क्वेश्चंस है और आपको थ्री आवर्स दिए जाते हैं फिफ्टी क्वेश्चन करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा समय है आपको फिफ्टी क्वेश्चन को अटैम्प्ट अगर कंपेयर करें आप सब्जेक्टिव टेस्ट से अगर आपको सब्जेक्टिव इन इनमें रिटर्न टेस्ट में अगर आपको फिफ्टी क्वेश्चन दिए जाए और थ्री आवर्स दिया जाए रिटर्न टेस्ट में तो वो काफ़ी कम समय रहेगा क्योंकि फिफ्टी क्वेश्चन रिटर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा है और ऑब्जेक्टिव के लिए uh, समय सीमा फिफ्टी क्वेश्चन के लिए ज़्यादा हो गई है ठीक है नेक्स्ट क्या है कि ये हाई रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में रहती है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को आप विश्वसनीय मान सकते हैं क्योंकि इसमें Uh, कोई स्टूडेंट जो है वो ऐसा नहीं कर सकता कि थोड़े से क्लू पर आंसर फाइंड आउट कर लेगा तो उसे अगर डेफिनेट नॉलेज होगी तभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट टेस्ट को कर पाएगा नेक्स्ट है इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड देन मे बी मोर अनरिलइबल जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है इसे कंडक्ट uh, करना है तो आपको क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर करना है ये uh, ज़्यादा मुश्किल है प्रिपेयर करने के लिए दैन रिटन टाइप टेस्ट से ठीक है अगर आपने इन्हें अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है क्वेश्चंस को uh, जो आपका एक्यूरेट मेथड है एक्यूरेट uh, स्किल नहीं है आपके पास इसे बनाने की क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की तो हो सकता है ये ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाए ठीक है नेक्स्ट क्या है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट अभी तक देखा हमने रिटर्न टेस्ट के टाइप रिटर्न टेस्ट का फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्टिव नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट में फर्स्ट वन रिटर्न था रिटर्न ऐसे टाइप जो कि आपकी लिखित परीक्षा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको कितने टाइप्स दिए गए रिटर्न टेस्ट को क्लासिफाई नहीं किया गया है जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्लासिफाई किया गया है टू मेजर कैटेगरीज में फर्स्ट वन इज सप्लाई टाइप आइटम नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन टाइप आइटम सबसे पहले हम देखेंगे सप्लाई टेस्ट क्या होते हैं सप्लाई टेस्ट मतलब कि आपको शॉर्ट आंसर देना है वन वर्ड आंसर है या फिर आपका वन सेंटेंस है या फिर आप कह सकते हैं सप्लाई टेस्ट को फिलिंग द बैलेंस टाइप आपके क्वेश्चन रहेंगे आंसर uh, आपको जिनमें ब्लैंक्स में देना है वन वर्ड और मोर देन वन और टू फिलिंग द ब्लैंक्स आपको वहाँ पर मिलेंगे वो हो गए आपके सप्लाई टेस्ट यहाँ पर देखिए इन दिस टाइप टेस्ट स्टूडेंट और ट्रेनी आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई द आंसर टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन में इन जो क्वेश्चन दिया होगा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है उसका आपको शॉर्ट आंसर देना है इट मे बी इन फिलिंग द ब्लैंक्स और मोर देन वन और टू वर्ड्स ठीक है आगे देखिए सप्लाई टेस्ट को भी आगे कैटेगराइज किया है इनके थ्री टाइप्स बताए हैं शॉर्ट आंसर टाइप नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन देन कॉम्पलिशन टाइप टेस्ट फर्स्ट देखिए शॉर्ट आंसर टाइप शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है दिस टाइप सिटिस्फाईड टू सम डिग्री टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप एग्जामिनेशन बाय दिस ये जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप इसमें क्या है कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि रिटर्न रिटर्न टेस्ट सी क्वालिटीज भी इनमें है और कुछ हद तक इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट सी क्वालिटीज़ है रिटर्न टेस्ट की क्वालिटीज़ भी है इनमें कुछ ऐसे टाइप जो आपका टेस्ट है या फिर कुछ क्वालिटीज़ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की भी है द रेट ऑफ आंसरिंग डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू थिंक एंड राइट क्विकली ये जो शॉर्ट टाइप आंसर रहेंगे ये आपके कैसे रहेंगे एक वन वर्ड में आंसर देना है आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको वन वर्ड में आंसर करना है लिखकर आपको ये आंसर देना तो इसे आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ क्वालिटी रिटर्न टेस्ट की भी है अब आपको वन वर्ड में देना है तो आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव टेस्ट की भी है वन वर्ड में आपको आंसर देना है तो इसमें क्या होगा डेफिनेट आंसर होगा तो डिपेंड करता है स्टूडेंट की थिंकिंग पर कि वो क्वेश्चन को समझकर क्या आंसर दे सकता है ठीक है नेक्स्ट है डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप टेस्ट ये इनमें जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो बिल्कुल डायरेक्ट रहेंगे डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि वेयर इज दिस प्लेस वेयर इज दैट प्लेस या फिर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होंगे इन क्वेश्चन के जो आप आंसर है करेक्ट आंसर आप एक वर्ड में दे सकते हैं एक सेंटेंस में दे सकते हैं या फिर जेस्चर uh, या पोस्टर के द्वारा भी दे सकते हैं सिंबल आप इनके शो कर सकते हैं दैट इज अ डायरेक्शन क्वेश्चन टाइप टेस्ट ठीक है, है? जिसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा घुमा फिर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है नेक्स्ट वन इज कंप्लीशन टाइप टेस्ट कंप्लीशन टाइप टेस्ट किसे कहा गया है लास्ट में देखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिलअप दिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं उसे आप कंप्लीशन टाइप टेस्ट भी कह सकते हैं कंप्लीशन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम विच एसेंशियल वर्ड हैज बीन ओमिटेड यहाँ पर बताया गया है आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी उनमें से कुछ वर्ड्स होंगे उन्हें चुरा लिया जाएगा कुछ वर्ड्स को आपके लिए खाली रख लिया जाएगा कि उन्हें आपको फिल करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कुछ एसेंशियल वर्ड आप कह सकते हैं जो मेजर वर्ड होते हैं जो एक सेंटेंस को सेंटेंस uh, बनाते हैं उन वर्ड्स को इनमें से आपके लिए uh, गुम कर दिया जाएगा आपके पास उन्हें ब्लैंक रख दिया जाएगा उन वर्ड्स को नहीं दिया जाएगा उन वर्ड्स को आपको शो करना है इन टेस्ट में इन कॉम्पलिशन टाइप के टेस्ट में ठीक है नेक्स्ट है सिलेक्शन टाइप टेस्ट ये किसका टाइप है सेकेंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का फर्स्ट वन था सप्लाई टाइप नेक्स्ट है सिलेक्शन टाइप टेस्ट ठीक है दीज टेस्ट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन और इनकम्लीट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दिस टेस्ट इज़ फर्दर डिवाइड एज मल्टीपल चॉइस मैचिंग एंड ट्रू एंड फॉल्स ये जो क्वेश्चन रहेंगे या इनमें आपको क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है या फिर आपको इनकम्प्लीट स्टेटमेंट भी दी जा सकती है सिलेक्शन टाइप टेस्ट में तीन टाइप्स में इन्हें डिवाइड किया गया है फर्स्ट वन इज़ मल्टीपल चॉइस दैन मैचिंग दैन ट्रू एंड फॉल्स मल्टीपल चॉइस देखेंगे सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्या है हमारे लिए भी यूज की जाती है जो आई टी में एग्जामिनेशन होता है सी आई टी एस में एग्जामिनेशन होता है उसके लिए ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में यही टाइप आपका यूज किया जाता है क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करने के लिए मल्टीपल चॉइस टाइप टेस्ट ठीक है देखिए इन द मल्टीपल चॉइस टाइप द ट्रेनी और लर्नर इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट और बेस्ट रिस्पॉन्स और आंसर की फ्रॉम फोर ऑप्शन विद की विद थ्री डिस्ट्रैक्टर ये जो मल्टीपल चॉइस टाइप टेस्ट होगा इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया एक क्वेश्चन दिया जाएगा सामने चार ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से उन चारों ऑप्शन में से एक आपको क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेस्ट रिस्पॉन्स होगा जो आपकी की होगी उसे सिलेक्ट करना है इन डिस्ट्रैक्टर में से ठीक है सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन होगा आपके पास चार ऑप्शन हैं उनमें से तीन डिस्ट्रैक्टर है और एक आपका आंसर है बेस्ट रिस्पॉन्स है ठीक है यह है आपके मल्टीपल चॉइस जो हमें भी प्रोवाइड किए जाते हैं नाउ दिस टेस्ट आइटम इज़ ओनली यूज इन ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यही टाइप है जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में यूज किया जाता है नेक्स्ट है मैचिंग टाइप टेस्ट मैचिंग टाइप टेस्ट क्या होता है मैच uh, करना ठीक है देखिए दिस टाइप ऑफ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ आइटम इन पैरल कॉलम विच आर टू बी मैश आपके पास दो कॉलम्स दिए जाएंगे फर्स्ट वन में आपके पास स्टेटमेंट दी जाएगी सेकेंड वन में आपके पास उसके आंसर दिए जाएंगे तो आपको उनमें से मैच करना है करेक्ट करेक्ट uh, रिस्पॉन्स के साथ देखिए वन कॉलम इज कॉल्ड प्रोमिसज एंड अदर कॉल्ड रिस्पॉन्स जो पहला कॉलम होगा जिसमें आपके क्वेश्चन होगे उसे कहेंगे प्रोमिस नेक्स्ट जो रहेगा आपके पास कॉलम उसे कहेंगे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कॉलम मस्ट हैव मोर देन वन नंबर ऑफ आइट मोर देन वन नंबर ऑफ आइटम इन द प्रमिसेज रिस्पॉन्स कॉलम मस्ट हैव मोर देन वन नंबर ऑफ आइटम इन द प्रमिसेज ये जो आपका रिस्पॉन्स कॉलम रहेगा रिस्पॉन्स कॉलम में आपके पास जितना प्रमिशिज में है चार कॉलम है चार कॉलम दिए गए हैं सॉरी चार ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन चार स्टेटमेंट है तो रिस्पांस कॉलम में आपकी उससे कम दी जानी चाहिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास कॉलम ए में प्रेमिस में चार ऑप्शन दिए गए हैं और कॉलम बी में तीन ऑप्शन दिए गए हैं जबकि कॉलम ए में कितने क्वेश्चन <स्यालों> है आपके पास चार है कि वर्क वर्क की आपको यूनिट बतानी है पावर की यूनिट बतानी है एनर्जी की यूनिट बतानी है फोर्स की यूनिट बतानी है तो यहाँ पर देखिए कॉलम बी में क्या है तीन ही दिए गए हैं इनमें से आपको क्या मालूम हो रहा है कि कुछ जो यहाँ पर चार दिए गए हैं आपके पास प्रेमिस में उनमें से दो की जो यूनिट है वो सेम रहेगी ठीक है दो की यूनिट सेम रहेगी तो यही बताया गया है यहाँ पर कि रिस्पॉन्स कॉलम मस्ट हैव मोर देन वन नंबर ऑफ आइटम इन द प्रमसेज राइट तो देखिए वर्क की आपके पास क्या कहेंगे वर्क की जो यूनिट रहेगी वो जूल रहेगी देन पावर की पावर की आपकी क्या रहेगी न्यूटन देन एनर्जी जूल होगी आपकी फोर्स रहेगी के जी मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट है आपके पास ट्रू फॉल्स टाइप टेस्ट ट्रू फॉल्स टाइप टेस्ट भी काफी फेमस uh, है बट इन्हें नहीं भी पूछा जाता है कभी कभी पूछ भी लिया जाता है देखिए दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट विच आर टू बी मार्क एज आइदर राइट और रॉन्ग जहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको उन्हें ट्रू uh, या फॉल्स का आपके पास दो ऑप्शन रहेगा आपको ट्रू टी या एफ में से एक पर राइट right या रॉन्ग का मार्क करना है ये ट्रू है या फिर रॉन्ग है ठीक है ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके पास परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ आपका प्रैक्टिकल टेस्ट जो कि आपकी स्किल को मेजर करने के लिए लिया जाता है परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट आपकी फ़िजिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट इज़ अनदर नेम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट का ही दूसरा नाम है परफॉर्मेंस टेस्ट इट मेज़र द लेवल ऑफ स्किल अटेंडमेंट विच आर टू बी एवेल्युएटेड सो जो भी अभी तक आपने स्किल uh, की है गेन उसे इवेलुएट करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है द जॉब और एक्सरसाइज शुड बी डिज़ाइन टू मेक स्टूडेंट अप्लाई हिज़ नॉलेज एंड डेमोस्ट्रेट हिज स्किल ये जो भी आपसे से टेस्ट लिया जा रहा है इसमें एक स्टूडेंट की नॉलेज को देखा जाता है उसे अपनी नॉलेज को अपनी स्किल को डेमोस्ट्रेट करना होता है कि उसकी नॉलेज को मेज़र किया जाए थ्रू स्किल तो ये रहता है हमारा परफॉर्मेंस टाइप टेस्ट सो दिस मज फ टू डे क्लास सो वंस अगेन वी रिवाइज ऑल शॉर्ट सेशन बट इम्पॉर्टेंट इन मैसेज जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कल का टॉपिक रहेगा वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है थ्री लेवल ऑफ क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है तो एक बार फिर इसे रिवाइज कर लेते हैं टेस्ट के मेथड्स देख लीजिए ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस ओरल देखिए ओरल टेस्ट सिंपल सीरीज़ है क्वेश्चन की जिसमें आपसे क्वेश्चन भी ओरली पूछे जाएंगे और आंसर भी आपको ओरली देना है राइट right? नेक्स्ट है आपके पास रिटर्न टेस्ट क्वेश्चन भी रिटर्न रहेगा और आंसर भी इसका रिटर्न में ही रहेगा ये ज़्यादा इफेक्टिव है देन ओरल क्योंकि इसका रिकॉर्ड आप रख सकते हैं मेंटेन करके ठीक है नेक्स्ट क्या है कि जो ये आपका जो रिटर्न टेस्ट है इसकी जो प्रेपरेशन है प्रेपरेशन के लिए आपको ज़्यादा समय लगता है बिकॉज आपको इसे इलेबोरेट करना पड़ता है टोटली totally, आपको इसे डिफाइन करना होता है तो इस इसकी जो प्रेपरेशन है वो ज़्यादा टाइम लेगी ठीक है रिटर्न टेस्ट है जो रिटर्न टेस्ट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है सब्जेक्टिव में और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव को आप कह सकते हैं ऐसे टाइप टेस्ट इसमें क्या बताया गया है कि आप इनके क्वेश्चन तो सिंपली प्रिपेयर कर सकते हैं परंतु आंसर आप इतने सिंपली चेक नहीं कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए कि जो आपकी जो एक्सप्रेशन है आपकी परफॉर्मेंस जो आपने दी है इनमें आपको क्या मार्क्स दिए जाएंगे इसे कैसे इवेल्यूट किया जाएगा ये जो आपके चेक करने वाले हैं टीचर उन पर डिपेंड करेगा कि उनके थॉट्स पर्सनल थॉट क्या है नेक्स्ट क्या है आप ऐसे ने इन रिटर्न टेस्ट को लेके क्वालिटी तो चेक कर सकते हैं और एक की पर्सनैलिटी उनके पर्सनल व्यू को मेज़र कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्या है कि आप पिन पॉइंट तो टोटली तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज कोई भी हो सकता है कि किसी ने टोटल रट लिया है और उसने लिख लिया है और कुछ हो सकता है जिन्होंने टोटली समझ भी लिया है ठीक है नेक्स्ट है कि अगर स्टूडेंट को ज़रा सा क्लू चल जाता है किसी किसी आंसर का क्लू मिल जाता है किसी क्वेश्चन का क्लू मिल जाता है तो अपनी अपनी वर्डिंग में उसे काफ़ी लेंथी भी दे सकता है ठीक है तो नेक्स्ट जो है इसमें कौन कौन से आपके जो की वर्ड्स रहेंगे इसमें जो अभी आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं उसके लिए की वर्ड रहेंगे डिफाइन एक्सप्लेन कंपेयर स्टेट डिस्क्राइब विच्स वर्ड एंड वाई नेक्स्ट था ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या रहेगा ये सिंपली तो प्रिपेयर नहीं किया जाता है टेस्ट और ये काफ़ी टाइम सेविंग भी है हमारे लिए अगर आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करना जान लो समझ लें कि काफ़ी रिलायबल है अगर आप नहीं जान पाए हैं इसे अच्छे से प्रिपेयर करना तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट भी हो सकता है परफॉर्म करना नेक्स्ट जो हमारी सेशन रहेगा उसमें हम ये भी देखेंगे कि टेस्ट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो वो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा देखिए जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उनकी टू मेजर कैटेगरी है फर्स्ट वन इज सप्लाई टेस्ट नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन टेस्ट सप्लाई टेस्ट में क्या है आपके पास एक वन वन लाइन में आपके पास क्वेश्चन रहेगा आपके पास जो क्वेश्चन है उसका आपको या तो वन वर्ड आंसर देना है या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको उसका आंसर फिल करना है सप्लाई टेस्ट की भी आगे तीन मेजर टाइप्स uh, है फर्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन कंप्लीशन टाइप टेस्ट शॉर्ट आंसर में क्या है आपको वन लाइन का क्वेश्चन होगा आपको उसे वन वर्ड या वन वर्ड में एग्जैक्टली exactly उसे आंसर करना है रिटर्न uh, फॉर्म में आपको उसे आंसर देना है कुछ हद तक आप इसमें कह सकते हैं कुछ थोड़ी क्वालिटीज़ इसमें रिटर्न टाइप टेस्ट की है कुछ क्वालिटीज़ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की है नेक्स्ट था डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप टेस्ट जिसमें आपसे केवल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप टेस्ट ठीक है इसे आप कैसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप इनमें सिम्बल भी यूज कर सकते हैं आप जेस्टर पोस्चर का यूज कर सकते हैं आपका या फिर एक वर्ड में भी आप इसे आंसर दे सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कॉम्पलिशन टाइप टेस्ट कॉम्पलिशन टाइप टेस्ट को फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप टेस्ट भी कह सकते हैं इसमें जो आपका मेजर वर्ड होगा इंपॉर्टेंट वर्ड होगा जो कि आपके टोटल सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा होगा जो आपको टोटल सेंस प्रोवाइड करवा रहा होगा जो वर्ड उन्हें क्या किया जाता है उन्हें निकाल दिया जाता है उन्हें वर्ड को आपको रिमेंबर करके बताना होता है कि वहाँ पर क्या एग्जेक्ट वर्ड होगा नेक्स्ट सिलेक्शन टाइप टेस्ट सिलेक्शन टाइप टेस्ट में थ्री टाइप्स दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस मैचिंग देन ट्रू एंड फॉल्स मल्टीपल चॉइस में क्या है जो कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में भी अप्लाई किया जाता है इसमें क्या रहेगा आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा जिसे स्टैम्प कहा जाता है वो हम नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे पर मैं आपके लिए आइडिया बता दूँ जो क्वेश्चन रहेगा उसे स्टैम्प कहा जाता है जो तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे चार ऑप्शन में से तीन उनमें डिस्ट्रेक्चर होते हैं और उसमें एक क्या होता है बेस्ट रिस्पॉन्स होता है तो ये पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर uh, होता है मल्टीपल चॉइस टेस्ट का ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट में देखेंगे तो ये टेस्ट कहाँ यूज़ किया जा रहा है ऑल इंडिया टेस्ट टेस्ट में अब ये मैक्सिमम एमसीक्यू टाइप टेस्ट है इन्हें लार्जली कंडक्ट करवाया जाता है नेक्स्ट इज मैचिंग टेप टेस्ट जिसमें आपके पास दो कॉलम रहेंगे एक में आपके पास स्टेटमेंट रहेगी दूसरे में आपका रिस्पांस रहेगा स्टेटमेंट में क्या होगा जो आपका प्रेमिसेस का कॉलम रहेगा यहाँ पर देखिए प्रेमिसेस का जो कॉलम है कॉलम ए उसमें आपके पास लेंथ ही दे सकता है स्टेटमेंट परंतु जो आपका कॉलम भी रहेगा इसमें जो आपकी स्टेटमेंट रहेगी जो आंसर आपके पास यहाँ पर दिए जाएंगे वो वन वर्ड होने चाहिए नॉट मोर देन वन सेंटेंस इससे ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए ये भी हम नेक्स्ट में देखेंगे इनमें अभी इस सेशन में हम आपको बस इतना सब मेनली जानना है कि कौन से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स राइट और रॉन्ग जिसमें आपको बताना होता है टिक मार्क करना है आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है जो आपके पास स्टेटमेंट दी गई है नेक्स्ट है आपके पास परफॉर्मेंस टेस्ट जो आपकी स्किल का टेस्ट किया जाता है स्किल को आपकी मेज़र करने के लिए टेस्ट किया जाता है आपकी आई, आई में जब आपके एनुअल एग्जामिनेशन है या फिर सेमेस्टर के एंड में जो एग्जामिनेशन रहता है आपका पर सेमेस्टर एक स्किल का टेस्ट भी लिया जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट भी जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट को तो वो है आपका परफॉर्मेंस टेस्ट इसमें क्या है जो भी अभी तक आपने सीखा है वो आपको स्किल परफॉर्म करनी है अपने इंस्ट्रक्टर के सामने ताकि वो आपको मेज़र कर सके आपकी एबिलिटीज़ को ठीक है तो ये था हमारा आज के लिए आज का सेशन भी काफ़ी छोटा था जो हमारा नेक्स्ट सेशन है कल का सेशन वो भी छोटा ही रहेगा बट वो इम्पॉर्टेंट रहेगा थ्री लेवल्स ऑफ क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उनके जो थ्री लेवल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है उससे भी कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं तो वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा फिर एक और रहेगा हमारा जिनमें हम क्राइटेरिया देखेंगे इन सभी प्रकार के जो हमारे टेस्ट है वो सभी देखेंगे कि आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है और उन्हें कैसे बनाया जाता है जो कल का सेशन है उसमें क्या देखेंगे कि क्वेश्चन में जो आपका टोटल टेस्ट है उनमें क्वेश्चन किस किस वे में होने चाहिए ठीक है जटिल uh, क्वेश्चन कितने होने चाहिए सिंपल क्वेश्चन कितने होने चाहिए प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन कितने होने चाहिए वो सब हम कल के सेशन में देखेंगे तो कल का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप आज का सेशन बोरिंग समझ रहे हैं या फिर ज़्यादा यूजफुल नहीं भी समझ रहे हैं तो ये आपकी मेंटेलिटी है परंतु ये सेशन भी इम्पॉर्टेंट है इसमें भी आपको पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट किसके अंडर आता है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जैसे यहाँ पर आपके पास कॉम्पटिशन टेस्ट था उसका अदर नेम भी पूछ सकते हैं या फिर आपको कॉम्पटिशन टेस्ट का अदर नेम नहीं पूछ सकते हैं फिर द ब्लैंक्स टाइप के टेस्ट का अदर नेम क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर जैसे प्रैक्टिकल टेस्ट है इसका आपसे सेकेंड नेम भी पूछा जा सकता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हमें हमें और आपको इन्हें मिस नहीं करना है तो कल का सेशन जरूर की, ज्वाइन कीजिए जो हमारा होगा थ्री लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन तो इतना ही था हमारा आज का सेशन नॉट मोर देन फोर्टी मिनट्स सो थैंक यू टू जॉनज़ अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़ पाए यूज़फुल सेशन देख पाएँ उनके डाउट्स भी हो अगर आपके भी डाउट हो तो आप कमेंट में बताएं हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो फॉर यू सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे जो सेशन है डेली चलते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे मॉर्निंग और इवनिंग में आपका क्वेश्चन सेशन चलता है और आफ्टरनून में आपका थ्योरी का सेशन चलता रहेगा तो थैंक यू टू जॉन अस